कृष्ण की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे कृष्ण जैसा कोई और नहीं। हृदय से कृष्ण सुमिरन किया तो आवाज कृष्ण तक जाएगी। कृष्ण ने जो सुन ली हमारी, तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी। लाडली जी की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। श्री राधा कृष्ण की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा और मथुरा के आसपास के गांवों को वृज क्षेत्र कहा जाता है। उनमें से एक गांव का नाम वृंदावन है, जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी कई सारी लीलाएं की थी। वृज में भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। एक समय यहाँ दूध दही की नदियां बहती थी। यह बहुत पहले की बात है। मथुरा नगरी में दूध दही और माखन वृंदावन, गोकुल, महावन इत्यादि गांवों से आता था। वृंदावन और मथुरा के बीच में यमुना नदी बहती है। उस समय मथुरा वृंदावन आने जाने के लिए नाव का सहारा लिया जाता था। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन दूध दही और माखन बेचने मथुरा जाती थी। वह नाव के सहारे यमुना नदी पार करती थी। इसके लिए उसे नाविक को आने जाने का शुल्क भी देना पड़ता था। एक दिन वृंदावन में एक कथावाचक संत आए हुए थे। वह प्रतिदिन यमुना के तट पर सभी को कथा सुनाते थे। उनकी कथा सुनने के लिए वृंदावन के गोप गोपी भी जाते थे। एक दिन दूध और दही बेचने वाली गोपी भी उनकी कथा सुनने गई। वृंदावन वासी उनकी कथा का आनंद ले रहे थे। सभी भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। उस दिन वह संत कथा में भगवान के नाम का वर्णन कर रहे थे। सभी को नाम जप करने के लिए कह रहे थे। कथा में संत ने कहा कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं और नाम जप करने से मनुष्य भव सागर भी सरलता से पार कर लेता है। केवल भगवान का नाम ही है जो हमें भव सागर से पार कराता है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो किसी और वस्तु में नहीं। संत जी ने कहा है कि एक कहावत बहुत प्रचलित है, राम से बड़ा राम का नाम। इसी से हमको नाम की महिमा ध्यान में आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कथा समाप्त हुई और गोपी अपने घर लौट आई। अगले दिन फिर वह दूध दही बेचने चली। बीच में वही यमुना नदी जी थी। गोपी को संत की बात का स्मरण हुआ। संत ने कहा था कि भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। गोपी ने मन ही मन सोचा कि जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। यह सोचकर गोपी ने मन ही मन भगवान का नाम जप करना शुरू कर दिया और नाम का आश्रय लेकर भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। गोपी को संत की बात पर पूरा विश्वास था, उसको पूरी श्रद्धा थी। इसीलिए नाम जप करते हुए उसने जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो उसे लगा मानो वह भूमि पर ही चल रही है। और इस प्रकार उसने नदी एक एक पग बढ़ाते हुए नदी पार कर ली। नदी के उस पार पहुंचकर गोपी बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बहुत अच्छा तरीका बताया। और अब यमुना जी को पार करने के लिए प्रतिदिन नाविक को भी शुल्क नहीं देने पड़ेंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार वह गोपी प्रतिदिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर
यमुना नदी को पैदल ही पार करने लगी। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, तो मुझे भी उन्हें भोजन के लिए अपने घर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी ने संत को भोजन करने के लिए अपने घर चलने की प्रार्थना की। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी में कोई ऐसे ही कैसे चले जाएगा? इसे ऐसे ही कैसे पार करोगे? इससे तो हम यमुना जी में डूब जाएंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसीलिए मुझे अब नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संत को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वे बोले, गोपी तुम ही पहले नदी पार करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार प्रतिदिन वह यमुना जी को पार करके जाती थी, वैसे ही यमुना जी को पार करके चली गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो वह झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपी ने जब देखा कि संत जी पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर यमुना जी में जब चली, तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे भूमि पर चल रहे हो। नदी पार करने के उपरांत संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि गोपी तू तो धन्य है। वास्तव में देखा जाए तो सही अर्थ में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैंने जिस नाम की महिमा बताई उसी नाम का आश्रय मैंने नहीं लिया। जिस प्रकार गोपी संत जी के द्वारा बताई गई नाम की महिमा पर श्रद्धा रख के यमुना जी को पार कर गई, उसी प्रकार हम भी भगवान के नाम पर गोपी के समान ही श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर इस भवसागर से पार उतर पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, आपका मंगल हो।